हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका माय फार्मा टिप्स यूट्यूब चैनल पर। आज हम वीडियो में नेचुरोजेस्ट 200 mg कैप्सूल के बारे में पूरी जानकारी लेने वाले। नेचुरोजेस्ट 200 mg कैप्सूल का मुख्य उपयोग महिला के बॉडी में मौजूद प्रोजेस्टेरॉन की कमी की समस्या दूर करने में किया जाता है। आइए इस कैप्सूल के बारे में और अधिक विस्तार से जानते हैं। ये कैप्सूल कैसे काम करती है, क्या इस्तेमाल होती है, इस कैप्सूल के क्या बेनिफिट है, क्या साइड इफेक्ट है, इस कैप्सूल से जुड़े सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। कैडिला हेल्थ केयर लिमिटेड की ये 10 कैप्सूल की स्ट्रिप आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पर 330 रुपए में आसानी से मिल जाएंगी। बात करते हैं इसमें मौजूद कंटेंट के बारे में। नेचुरोजेस्ट 200 mg कैप्सूल में प्रोजेस्टेरॉन IP 200 mg यह कंटेंट समझते हैं। इसमें मौजूद प्रोजेस्टेरॉन यह एक फीमेल स्टेरॉयड हार्मोन है जो अंडाशय एड्रेनेलिक ग्लैंड्स और प्रेगनेंसी के दौरान प्लेटलेट्स में तैयार होता है। प्रोजेस्टेरॉन का कार्य महिला प्रजनन प्रणाली से जुड़ा है और यह प्रेगनेंसी में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। बात करते हैं इस कैप्सूल के यूजेस की। डॉक्टर इसे किन किन समस्याओं में इस्तेमाल करते हैं? इसे मानसिक धर्म का समय पर न आना या फिर समय से पहले आने की समस्या दूर करने में, प्रोजेस्टेरॉन की कमी की वजह से मानसिक धर्म में ब्लीडिंग ज्यादा होने की समस्या दूर करने में, एबनॉर्मल यूटेराइन ब्लीडिंग मतलब गर्भावस्था के दौरान योनि से रक्तस्राव होने की समस्या दूर करने के लिए भी डॉक्टर इसे इस्तेमाल करते हैं। इसे एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेसिया की समस्या दूर करने के लिए भी डॉक्टर इस्तेमाल करते हैं। एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेसिया मतलब गर्भाशय की परत अधिक मोटी होने की समस्या। इसे हार्मोन इनबैलेंस की समस्या दूर करने के लिए भी डॉक्टर इस्तेमाल करते हैं। इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए डॉक्टर इस कैप्सूल का इस्तेमाल करते हैं। बात करते हैं इस कैप्सूल के डोसेस की। आप अपनी समस्या बताकर इस कैप्सूल का डोस अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट से पूछ ले। याद रखें दोस्तों, इस कैप्सूल को महिला ओरली और वजेनल भी ले सकती है। आप इसे अपनी समस्या बताकर अपने डॉक्टर के सलाह के अनुसार आपके डॉक्टर ठीक समझे वैसे ले सकते हैं। आप इसे ओरली भी और वजेनल भी ले सकते हैं। वयस्क महिला यानी एडल्ट ये कैप्सूल दिन में एक बार एक निश्चित समय पर अपने डॉक्टर के सलाह के अनुसार ले सकते हैं। साइड इफेक्ट, इस कैप्सूल के इस्तेमाल से होने वाले दुष्परिणाम। यदि आपको इस कैप्सूल में मौजूद कंटेंट एलर्जी है तो आपको बताए गए कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं। यदि आपको बताए गए कुछ साइड इफेक्ट महसूस हो तो आप तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें। इस कैप्सूल के इस्तेमाल से आपको मितली, उल्टी, पेट दर्द, चक्कर आना, भूख न लगना, बालों का झड़ना ये कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं। प्रिकॉशन, इस कैप्सूल के यूज करते समय सावधानियां। अगर आपको इस कैप्सूल के इस्तेमाल से कोई साइड इफेक्ट होता है या फिर आपको इस कैप्सूल में मौजूद कंटेंट से एलर्जी है तो आप इस कैप्सूल का यूज न करें। अगर आप पहले से कोई अन्य मेडिसिन या टैबलेट ले रहे हो तो उसकी सूचना अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट को अवश्य दें। इस वजह से इस कैप्सूल का ड्रग इंट्रैक्शन या ओवरडोज होने की संभावना कम होती है। गर्भवती महिलाएं इस कैप्सूल को हमेशा अपने डॉक्टर की सलाह से इस्तेमाल कीजिए। जब तक आपके डॉक्टर ने इसे इस्तेमाल करने को कहा है तब तक ही इसे इस्तेमाल करें। इसे अपने मन से ज़्यादा दिन तक यूज न करें। अगर आपको लीवर या फिर किडनी से जुड़ी कोई समस्या हो तो उसकी सूचना भी अपने डॉक्टर को अवश्य दें। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें और माय फार्मा टिप्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। उस चैनल पर आपको हमेशा मेडिसिन रिव्यूज मिलते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।